आप देख रहे हैं शतक आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एलएसी विवाद को लेकर भारत चीन की मिलिट्री कमांडरों के बीच चली आज मैराथन बैठक, करीब 3 घंटे तक सीमा को लेकर हुई बातचीत। भारत का चीन को 2-2, अप्रैल तक वाली पोजीशन पर वापस लौटे चीन की फौज। चीन ने भारतीय सीमा पर बन रही सड़क पर जताई आपत्ति, भारत का काम रोकने से इनकार, कहा एलएसी के अंदर निर्माण कार्य। गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम करने की भारत ने कही बात, कहा वापस जाए चीनी सेना। सीमा विवाद को लेकर अभी आगे भी जारी रहेगी बातचीत, भारत का रुख, बातचीत से ही निकलेगा हल। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की अगुवाई, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को करेंगे हालातों को लेकर ब्रीफ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के अधिकारी विदेश मंत्रालय को देंगे हालात की जानकारी, अजीत डोभाल और पीएमओ को भी दी जाएगी रिपोर्ट। चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर बोले राम माधव, ये सरकार की नीति नहीं, लोगों की जनभावना है। आज तक से बोले कांग्रेस इनके मुद्दे पर सरकार के साथ। चीन को लेकर अमूल के कार्टून पर हंगामा, ट्विटर ने अकाउंट किया सस्पेंड, बाद में फैसला लिया वापस। देश में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 9,887 नए मरीज आए सामने, मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 294 लोगों की गई जान। इटली को पीछे छोड़ 6वें नंबर पर पहुंचा भारत, अब तक 2,36,657 कोरोना केस, 6,642 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में रोजाना मौत के आंकड़ों में आज मामूली कमी देखी गई, बीते 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस 83,000 के पार, अब तक 2,969 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, मरीजों की संख्या 46,000 के पार, अब तक 1,500 से ज्यादा मौतें दर्ज। दिल्ली में अब तक 26,334 कोरोना केस, 24 घंटे में दिल्ली में 1,330 कोरोना पीड़ित बढ़ गए हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 708 लोगों की जा चुकी है जान, 10,315 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। तमिलनाडु में 30,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में करीब 1,500 नए केस। केरल में फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में सामने आए 108 नए मामले। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना टेस्ट न होने को लेकर सियासत तेज, केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों पर लगाया बेड की कालाबाजारी का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन की दी चेतावनी, अस्पतालों के पीछे राजनीतिक सपोर्ट होने की भी कही बात। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन में आई केजरीवाल सरकार, सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कराई। केजरीवाल ने बिना लक्षण वाले लोगों से कोरोना टेस्ट ना कराने की अपील की है, दिल्ली में 42 लैब में से 6 लैब पर कार्रवाई का भी दिया है उन्होंने हवाला। डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट, कहा दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली वालों के लिए ही हो इस्तेमाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के बाहर वालों के लिए खोले गए अस्पताल तो कोरोना के लिए तैयार बेड 3 दिन में हो जाएंगे फुल। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में कल धरना प्रदर्शन। यूपी के हज मंत्री मोहसिन रजा का बयान, इस साल हज यात्रा संभव नहीं, जिन्होंने पैसे जमा किए थे वो ले सकते हैं वापस। राजस्थान सरकार 8 जून से नहीं खोलेगी धार्मिक स्थल, कमेटी बनाकर मांगी गई है रिपोर्ट। नोएडा में खुली कोरोना के इंतजामों की पोल, अस्पताल में भर्ती ना करने पर एम्बुलेंस में गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। 8 महीने की गर्भवती महिला को सांस लेने में तकलीफ थी, 6 अस्पतालों के काटे चक्कर, डीएम ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में भी इलाज ना मिलने पर पिता को खोने वाली अमरप्रीत का छलका दर्द, केजरीवाल सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। अमरप्रीत के पिता को लोकनायक अस्पताल ने एडमिट करने से किया था इनकार, इलाज में देरी की वजह से गई जान। वंदे भारत मिशन के लिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित कुछ देशों के लिए एयरलाइंस के टिकटों की बिक्री शुरू, 22,000 से ज्यादा बिक चुके हैं टिकट।
दिल्ली में कोरोना संकट से ईडी का दफ्तर 48 घंटे के लिए बंद हुआ। ईडी दफ्तर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में ईडी दफ्तर के स्पेशल डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। 10 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। एनआईए तक पहुंचा कोरोना, एक कर्मचारी पॉजिटिव, संपर्क में आए 10 लोग क्वारंटीन। आईटीबीपी में 24 घंटे के अंदर 3 जवान कोरोना पॉजिटिव। 200 से ज्यादा जवान अब तक खो चुके हैं संक्रमण। पूर्व संतोष ट्रॉफी फुटबॉलर ई हमसाकोया की कोरोना से मौत हुई। परिवार के 5 सदस्य हैं पॉजिटिव। करीब 2 महीने बंद रहने के बाद यूपी में 8 जून से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। शुरू हो चुका है साफ सफाई का काम। 9 जून से लखनऊ में चिड़ियाघर खोलने की भी तैयारी। फूड कोर्ट और कैंटीन रहेगी बंद। अलीगढ़ के मेयर ने की मीट की दुकानें और स्लॉटर हाउस खोलने की मांग। 2 महीने से बंद दुकानों से लोगों को परेशानी का दिया हवाला। लॉकडाउन में घर लौटे मजदूर, अनलॉक 1 में फिर पलायन को तैयार। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी कतार। अनलॉक 1 में भोपाल में शुरू हुई ऑटो सेवा। बिना मास्क के ऑटो में एंट्री नहीं, हाथों को भी कराया जा रहा है सैनिटाइज। मैंगलुरु में प्राइवेट में यात्रियों के बीच दिखे सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए लोग। कोरोना से बचाव में पीपीई किट में नजर आया कंडक्टर। नोएडा में जिम मालिकों का प्रदर्शन, जिम को खोलने की मांग की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का आदेश। आज देहरादून में बंद रहा बाजार। उत्तराखंड में 20 जून से 23 जून के बीच पूरी की जाएगी इंटरमीडिएट की अधूरी परीक्षा। लॉकडाउन की वजह से परीक्षा पर लगा था ब्रेक। उत्तराखंड में परीक्षाओं के लिए कॉलेजों में बने क्वारंटीन सेंटर कराए जा रहे हैं खाली। 19 जून तक पूरी की जाएगी कॉलेज में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान 74 दिनों तक एयरपोर्ट पर बना रहा घाना का फुटबॉलर, युवा सेना की मदद से हुआ रेस्क्यू। जमशेदपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 12 दुकानदारों पर केस दर्ज, दुकान का सामान जब्त। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना के सीधे टेस्ट पर लगी रोक। कोरोना लक्षण दिखने पर पहले दी जाएगी 5 दिन की दवा, उसके बाद किया जाएगा टेस्ट। राजस्थान में छात्रों ने कोरोना काल में 3 महीने का किया किराया माफ करने की मांग की। सरकार को 3,500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ते का वादा याद दिलाया। सिरसा में क्वारंटीन सेंटर में दंपति ने मनाई 50वीं सालगिरह, केक काटकर मनाया जश्न। मुंबई में जिंदगी ट्रैक पर लाने की कोशिश, पार्क में जॉगिंग करते दिखे लोग। कर्नाटक के शिवमोगा में मंदिर की हो रही है साफ सफाई। अनलॉक 1 में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। महाकाल मंदिर के भक्तों के लिए खोलने की तैयारियां, मंदिर को तेज हुई। दर्शन की रूपरेखा को लेकर माथापच्ची जारी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे मां गंगा से जोड़ा गया। अनलॉक 1 में तेजी से शुरू हुआ मार्ग निर्माण का काम। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य जारी। मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य गद्दी स्थल का हो रहा है निर्माण। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सियासी संकट जारी। 3 और विधायक नील सिटी रिजॉर्ट में ठहरे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। ट्वीट किया, अच्छे काम करने पर जेल में डाला। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जवानी का आडवाणी कहा। एडीजी की जारी चिट्ठी का पोस्टर दफ्तर के बाहर चिपकाया। दिल्ली हिंसा केस में पुलिस अब तक कुल 78 चार्जशीट कर चुकी है दाखिल। करीब 400 आरोपियों में 200 हिंदू और 200 मुसलमान। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर पुलिस के खालिस्तान समर्थकों से हुई धक्का मुक्की। ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध करने के लिए जुटे थे कट्टरपंथी। मुंबई को तेज बारिश ने किया बेहाल। दादर और परेल में भरा पानी। कुर्ला में भी सड़कों पर भरा पानी, आने जाने वालों की हो रही है मुश्किलें। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दिखा जलजमाव, शहर में बारिश का तीसरा दिन। ठाणे में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव का संकट, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। जालौर में आंधी बारिश से आई आफत, घरों के छप्पर 3 शेड उड़े, कई पेड़ धराशायी, बिजली आपूर्ति में बाधा। दरभंगा में बम धमाके को लेकर गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने धमाके को बताया था पटाखा। अलीगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव, पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के प्राथमिक शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, अनामिका शुक्ला नाम की महिला टीचर 25 स्कूलों में कर रही थी काम। 6 जिलों के स्कूलों में काम करने की मिली है शिकायत, 1 करोड़ का वेतन लेने का मामला भी। यूपी के हापुड़ में मृतक के परिजनों के साथ अस्पताल कर्मियों ने की जमकर मारपीट, कई लोग घायल, वीडियो हुआ वायरल, केस दर्ज। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में कार में मिली लाश, स्पेशल सेल में थी तैनाती। शरीर में नहीं मिले किसी तरह के घाव, दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल सेल का हिस्सा थे।
राजस्थान के पाली में रेहड़ी पटरी के दुकानदारों को हुआ नुकसान, आग लगने से जला पूरा सामान। यूपी के एटा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, परिजनों ने फौरन गाड़ी से उतरकर बचाई जान। धार में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने की खुदकुशी, एक सब इंस्पेक्टर और दो आरक्षक लाइन हाजिर। हदने के बाद अब गाय से दरिंदगी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गर्भवती गाय को किसी ने खिलाया बारूद का गोला, मुंह में धमाके से लहूलुहान। राजस्थान के दौसा में पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 15 लोग जख्मी, दो लोगों को लगी गोली। अलवर में 75 साल के बुजुर्ग ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या करने के बाद की खुदकुशी, बहू के दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाने से थे परेशान। उधम सिंह नगर के किच्छा के गांव में तेंदुए से दहशत, घात लगाकर बैल पर हमले करने का मोबाइल वीडियो हुआ वायरल। कैमूर में काली पूजा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, एक शख्स की मौत, 25 घायल। अलीगढ़ में कुत्ते की डंडों से पीटकर हत्या, वीडियो हुआ वायरल। झालावाड़ में मालिक की पत्नी के साथ खेत के मालिक ने किया रेप, पति के साथ मारपीट। राजस्थान के नागौर में दो दलितों की पीट कर हुई हत्या, 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR। रामेश्वरम पुलिस ने 3 कार चोरों को दबोचा, 21 गाड़ियां बरामद। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन में राह भटके 39 जानवरों को जंगल में छोड़ा गया, इनमें हिरण और अजगर तक शामिल। कोरोना ने दुनिया में मचाए तबाही, अब तक दुनिया भर में 68,85,000 से ज्यादा केस। पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में बढ़ोतरी, अब तक कुल मौत 3,99,000 से ज्यादा। कोरोना की मार से करा रहा है अमेरिका, संक्रमितों का आंकड़ा 19,67,000 से ज्यादा, 1,11,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,46,000 से ज्यादा, 35,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। रूस में भी नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का मामला, अब तक 4,58,000 से ज्यादा केस, 5,700 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में कोरोना से 40,000 से ज्यादा की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,83,000 के पार। अमेरिका के पोर्टलैंड में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद नहीं थम रहा है उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नस्ली भेदभाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर। हैदराबाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के ब्राजील राष्ट्रपति का विवादित बयान, उनके ऊपर प्रदर्शनकारियों को कहा आतंकवादी। मारा गया अफ्रीका में अलकायदा का मुखिया डॉग ड्रिल, फ्रांस सरकार का दावा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।